अगर आपने अब तक J4 E-Tech YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मिलते रहे वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं J4 E-Tech, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने अपना बिलियन कैप्चर प्लस फोन कर दिया है लॉन्च। इस फोन के साथ दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं Xiaomi के Mi A1 को। तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस मिलता है, दोनों में क्या कॉमन चीजें हैं और एक दूसरे से क्या खासियत या क्या बेहतर है एक दूसरे से, वो सब कुछ जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही फोन के प्रोसेसर और रैम के बारे में। दोनों ही फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर, रैम मिलती है 4 GB की और स्टोरेज मिलता है 64 GB का। वहीं कैप्चर प्लस में आपको एक और वेरिएंट मिलता है जो कि 3 GB और 32 GB का वेरिएंट है। इसमें दोस्तों अगर हम GPU की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में आपको GPU जो मिलता है वो मिलता है एड्रीनो का 506। अब आते हैं दोस्तों हम डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले में अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो कि 1080p डिस्प्ले है। और इसके अलावा दोस्तों अगर ग्लास प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो कैप्चर प्लस में आपको मिलता है ड्रैगन ट्रेल ग्लास और वहीं Mi A1 में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही फोन के कैमरा की। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो बिलियन कैप्चर प्लस है इसमें आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा, जिसमें से एक RGB और एक मोनोक्रोम कैमरा है। और जो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का। वहीं दोस्तों Mi A1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल के दो कैमरा मिलते हैं, जिसमें से एक वाइड एंगल और एक टेलीफोटो लेंस है। और ये जो फोन है दोस्तों 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। वहीं दोस्तों अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, दोनों में आपको मिलेगा नोगट का 7.1.2, जिसमें आपको कैप्चर प्लस में जो है एंड्रॉइड का कंफर्म अपडेट मिलेगा, जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है इसके फ्लिपकार्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो। वहीं दोस्तों Mi A1 में आपको एंड्रॉइड ओ और उसके बाद एंड्रॉइड पी दोनों का अपडेट मिलेगा, बिकॉज Mi A1 जो है एंड्रॉइड 1 के प्रोग्राम के साथ आपको आता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही फोन के बैटरी की। तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का बिलियन कैप्चर प्लस है इसमें आपको 3500 mAh का बैटरी मिलता है और जो Mi A1 है दोस्तों उसमें आपको मिलता है 3080 mAh का बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी के मामले में अगर मैं बोलूँ तो आपको कैप्चर प्लस में ज़्यादा बैटरी मिल जाता है। और वहीं दोस्तों कैप्चर प्लस जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जो कि Mi A1 में मिसिंग है। दोस्तों बात करते हैं दोनों ही फोन के प्राइस की। तो यहाँ पर कैप्चर प्लस आपको मिल जाता है 4 GB और 64 GB स्टोरेज वाला, वो मिलता है आपको 12999 यानी कि 13,000 रुपये में। और वहीं दोस्तों अगर मैं 3 GB और 32 GB वेरिएंट की बात करूँ कैप्चर प्लस के तो वो आपको मिलता है 10999 यानी कि 11,000 रुपये में। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं Xiaomi के Mi A1 की, तो उसका जो कि एक ही वेरिएंट आता है जो कि है 4 GB रैम और 64 GB रोम वाला, तो इसमें आपको दोस्तों इसकी कीमत है 14999। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम प्राइस और बैटरी की बात करें तो ऑब्वियसली आपको कैप्चर प्लस जो है ज़्यादा बेटर और वैल्यू फॉर मनी डील दे रहा है, लेकिन एज अ न्यू ब्रांड हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं वो चीज़ देखने वाली रहेगी। हालांकि दोनों ही फोन जो है मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर Mi A1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो कैमरा है वो ज़्यादा बेटर मिल जाता है, बिकॉज ये 2x ऑप्टिकल जूम वगैरह भी सपोर्ट करता है जो कि कैप्चर प्लस में नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों जो कि मतलब Mi A1 के बारे में अगर मैं बोलूँ तो Mi A1 जो है एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ आता है, जिसमें आपको कंफर्म जो है फ्यूचर अपडेट मिलेंगे। हालांकि कैप्चर प्लस में आपको एंड्रॉइड ओ का अपडेट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद की अपडेट की गारंटी नहीं है। वहीं आपको Mi A1 जो है एंड्रॉइड पी तक अपडेट दे रहा है, प्लस आपको एक प्योर स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस दे रहा है, और साथ ही साथ जो दोस्तों इसमें आपको प्रॉपर सिक्योरिटी अपडेट्स और सब चीज़ें मिलते रहेंगी। बाकी दोस्तों फाइनल कॉल आप लोगों का है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी कुछ गुड टू नो इन्फो, कुछ रिव्यूज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। और अगर आपके कोई सजेशन या फीडबैक है इस वीडियो को लेकर, या आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल मिस कर दी इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।